सो हे गाइस, न्यूज बॉय है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं भुवन बद्यकार के बारे में। आप लोग इनको जानते होंगे, कच्चा बादाम जो वायरल हुआ था ये इन्होंने ही गाया था। तो कल के दिन क्या हुआ कि इनका जो एक्सीडेंट हो गया, बेसिकली हुआ है कि उन्होंने जो एक कार लिया हुआ था नया एंड वो सीख रहे थे वो कार को, उनका जो एक्सीडेंट हो गया। रिपोर्ट ये बता रही है कि उनका जो है चेस्ट एंड हेड में इंजरी हुआ है। ऐसा सीरियस वाला इंजरी नहीं हुआ बट उनको जो है चोट लगा है। उनको जो हॉस्पिटल ले जाया गया अभी जो उनका ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है। आई होप वो जो है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ऑल्सो यहाँ पर भुवन बद्यकार का बात हुई है तो बात करते हैं मनोज डे के बारे में। तो रिसेंटली मनोज डे मिलने गए थे भुवन बद्यकार से। उन्होंने जो एक व्लॉग भी अपलोड किया इंस्टाग्राम पर, रील्स एंड पोस्ट भी अपलोड किया था, आप देख सकते हो उनका व्लॉग। मनोज डे ने जो है कुछ पैसे भी दिए भुवन बद्यकार को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ लोग जो उनको उसी से रिलेटेड हेट भी कर रहे हैं। उसी के बारे में बताते हुए मनोज डे लिखे, इस दुनिया में कितना भी आप अच्छा काम कर लो बट कुछ लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ नेगेटिविटी फैलाना है और क्रिटिसाइज करना है। भाई अपना काम धंधा छोड़कर गया मैं अंकल से मिलने 300 किलोमीटर दूर, अभी तक घर नहीं पहुंचा हूं। मेरा मकसद था उनका कुछ ऐसा हेल्प करना जिससे वो ट्रेंड खत्म होने के बाद भी कुछ कमा सके। अब इसमें भी कुछ लोगों का कहना है शो ऑफ कर रहा है, चलो कोई नहीं, 1% ही ऐसे लोग है, बाकी 99% को लव यू दिल से। यस, आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, टेक्नो गेमर्स के बारे में। तो टेक्नो गेमर्स जो है रिसेंटली अपने ऑफिशियल शॉर्ट्स चैनल पर एक शॉर्ट्स अपलोड किए थे जहां पर वो बेसिकली जिम में एक्सरसाइज वगैरह कर रहे थे। वहां पर ऐसा दिखता है कि टेक्नो जिम करके एक वहां पर दिखता है, ठीक है। तो वो देखकर बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि टेक्नो गेमर्स ने जो है जिम खोल लिया। यस, उन्होंने अपना खुद का जिम कंपनी खोल लिया ऐसे टाइप का, बट ऐसा नहीं है। टेक्नो जिम करके ऑलरेडी एक कंपनी पहले से ही है। यस, ये इटालियन कंपनी है, इसके जिम जो है इंडिया में भी बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं भुवन बाम के बारे में। तो भुवन बाम के मैनेजर रोहित राज एक इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट किए थे। बेसिकली वो एक पोस्ट को शेयर किए थे जहां पर लिखा हुआ है कि डिड यू नो अकॉर्डिंग टू IMDb अलोंग विद बिगिस्ट लाइक द फैमिली मैन एंड एस्पायरेंट्स भुवन बाम्स डिंडोर अवर सेकंड मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज ऑफ 2021। अनडाउटेडली ही अर्न द पोजीशन विद हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इन द शो। समझ सकते हो 2021 में सेकंड मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज है ढिंडोरा, और ये जो रिपोर्ट है ये बेसिकली IMDb रेटिंग्स के कॉल। चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी जो 7 महीने पहले एक वीडियो अपलोड किया था OTP द लॉटरी चैप्टर 1, उसमें जो 40 मिलियन व्यूज हो गए थे। एंड इंटरेस्टिंगली उसका जो सीक्वल है मतलब पार्ट 2, उसमें भी जो 40 मिलियन व्यूज के अराउंड हो गए अभी। तो उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए आशीष चंचलानी लिखे, OTP 1 एंड OTP 2 बोथ हैव रीच्ड नियरली द सेम अमाउंट ऑफ व्यूज। दिस इज क्रेजी बिकॉज सीक्वल्स ऑन YouTube ऑलवेज हैव लेसर व्यूज बट वी आर ब्लेस्ड बाय यू एसिवियंस। सही है, आपने भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखा होगा यूट्यूबर्स का जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपलोड करते वीडियोस के, एंड जो पार्ट 1 में जितना व्यूज आता है वही व्यूज जो है पार्ट 2, पार्ट 3 में नहीं आता है। तो यहाँ पर आशीष चंचलानी के दोनों ही वीडियोस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में इक्वल व्यूज आ गए थे, जो कि सही है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट मिले सदगुरु से। यस, वो एक इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट किए थे, नीचे कैप्शन में वो लिखे, एन अमेजिंग इवनिंग स्पेंट विद सदगुरु जी, आवर क्लाइमेट इज चेंजिंग एंड नो वन इज डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, इन अनदर 25 years 60% ऑफ आवर सॉइल विल लूज ऑल इट्स न्यूट्रिएंट्स, ही इज वर्किंग फॉर गिविंग आवर फ्यूचर जनरेशन ए बेटर प्लैनेट। यस, इसके रिलेटेड डेफिनेटली फ्लाइंग बीस्ट के चैनल पर एक वीडियो आएगा। अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक तो नहीं आया, लेकिन हाँ आज या कल में आ जाएगा। जैसे आता है मैं आप लोगों को बता दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो के थ्रू। चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं देसी गेमर्स के बारे में। तो देसी गेमर्स अपने लाइव स्ट्रीम में हो गए थे गुस्सा। यस, मतलब कुछ लोग ऐसे जो फालतू फालतू के कॉमेंट्स वगैरह करते रहते हैं, माँ बहन को गाली वगैरह देते रहते हैं, मतलब एब्यूसिव कॉमेंट, तो उन सारे लोगों से वो गुस्सा हो गए थे। आप देखिए उनके लाइव स्ट्रीम से छोटा सा क्लिप। देखो यहाँ पर लाइव पे तुम लोग अगर हमारे मॉडरेटर को डिसरिस्पेक्ट करते हो, कुछ गंदा बुरा बोलते हो, तो मॉडरेटर के पास राइट्स है, वो तुमको चैनल से बैन कर सकती है। तो प्लीज मत लिखो, बाद में तुम लोग मेरे को मत बोलना अमित भाई तुम्हारे मॉडरेटर मेरे को बैन कर दिया ये वो। बहुत सारे लोग अभद्र कमेंट करते हैं, माँ बाप का संस्कार यहाँ पर चैट पे दिखाते हैं, खासकर लड़कियों को तुम लोग टारगेट करके लिखते हो, तो गंदी बात है, ऐसा मत करो, ठीक है। मेरा मॉडरेटर को मैंने खुला छूट दिया है, बेझिझक बैन कर दो ऐसे लोगों को जो गाली वाली लिखते हैं। थोड़ा बहुत फन करना इट इज़ डिफरेंट, बट कुछ लोग कुछ बुरा ही लिखते हैं तो मेरे को भी पता चला है। तो मॉडरेटर के पास पूरा राइट्स है, बेझिझक हाइड कर दो चैनल से, सिर्फ वीडियो देख पाएंगे लोग, कमेंट नहीं कर पाएंगे उस जिमेल आईडी से। इस तरह से मजा नहीं आता ना भाई यार, चैट को साफ सुथरा बनाओ। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं साइंस एंड फन यूट्यूब चैनल के बारे में। तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक रील्स पोस्ट किया है जहां पर वो दिखाए कि उनको जो एप्रिशिएट करते हुए हर्ष बेनीवाल खुद मैसेज किए थे। वो बताए कि उनके वीडियो जो है बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से सिखाते अपने स्टूडेंट्स को एंड फनी वे में सिखाते हैं जो कि उनको पसंद आता है। ऑफकोर्स यहाँ पर OSR अकेडमी जो है बहुत ज्यादा खुश थे जब हर्ष बेनीवाल ने उनको मैसेज किया खुद। रिसेंटली उन्होंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट कर लिया था, उसका भी वो रील्स पोस्ट किए। सो यस, माय हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू हिम फॉर कंप्लीटिंग 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते थारा भाई जोगिंदर के बारे में। थारा भाई जोगिंदर फिर से एक रील्स पोस्ट किए जहां पर वो बताया कि उनको बिग बॉस में जाने से कोई नहीं रोक सकता, बिग बॉस 16 में वो जाएंगे ही जाएंगे। यस, आप देखिए वो क्या कहे। ये अपना सपना, थारा भाई जोगिंदर का सपना, बिग बॉस 16 जाऊंगा जरूर, आज नहीं तो कल। फुल कॉन्फिडेंस है थारा भाई जोगिंदर को,
दुनिया जाती है बिग बॉस के अंदर खेलने के लिए, अपना फेम पाने के लिए, बिग बॉस जीतने के लिए, पर थारा भाई जोगिंदर जाएगा बिग बॉस के अंदर तबाही मचाने के लिए। पवंडर आएगा, पवंडर आज नहीं तो कल जरूर आऊंगा बिग बॉस के अंदर, और जो मेरे सपने के बीच में आ गया खल्लास थारा भाई जोगिंदर कमिंग सून बिग बॉस 16। तो आप लोगों को क्या लगता है थारा भाई जोगिंदर का जो है बिग बॉस 16 से इनविटेशन आएगा? क्योंकि आपको पता होगा बिग बॉस में जो है ज्यादा करके कंट्रोवर्शियल लोगों को ही लिया जाता है, तो हो सकता है मे बी शायद थारा भाई जोगिंदर को बिग बॉस की तरफ से इनविटेशन आए। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, सौरभ जोशी के बारे में। तो सौरभ जोशी का जो है न्यू सॉन्ग आ चुका है। यस, इसके बारे में वो बहुत पहले ही बता चुके थे कि ये जो उनका फेवरेट सॉन्ग है, इस सॉन्ग का नाम है भाई मेरे भाई। इस सॉन्ग में जो काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, उन्हीं के चैनल पर अपलोड हुआ है, आप जाके देख सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।